दोस्तों नमस्कार, सस्ते जनरेटर दिखा रहा हूं मैं आपको। दोस्तों बहुत सारे जनरेटर बाजार आपने देखे होंगे, लेकिन पूरे देश में जहांगीरपुर का जनरेटर बाजार सबसे सस्ता जनरेटर बाजार है। यहां एक तिहाई और तो और एक चौथाई कीमत पर यहां सेकंड हैंड जनरेटर मिलते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यहां देश के कोने कोने से लोग यहाँ जनरेटर खरीदने आते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में आपको ओपन जनरेटर दिखा रहा हूँ, नामी गिरामी कंपनियों के ओपन जनरेटर। दोस्तों जनरेटर खरीदने से पहले काम की बात पर ध्यान दें। सबसे पहले आप जनरेटर में खूब मोल भाव करें, ट्राई करें, जांचें, परखें, लो ट्राई करें, अपने मिस्त्री को दिखाएं और तब खूब सौदेबाजी करके जनरेटर अपने विश्वास अपने भरोसे पर खरीदें। यह जनरेटर का नया बाजार है, किसान कृषि यंत्र और इसे गोदाम के मालिक मेरे साथ मौजूद हैं। कौन सा जनरेटर किस कीमत पर आपको उपलब्ध हो सकता है पूरी पड़ताल हम दिखाएंगे। हर बात आपको जो काम किए दोस्तों बताएंगे। आप सुबह 10 बजे से पहले फोन ना करें, 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही फोन करें। और फोन में आप इस बात का भी ध्यान रखें कि वीडियो बनाने वाला कोई और व्यक्ति है, बेचने वाला कोई और व्यक्ति है। लोग हमें फोन करते हैं, हम जो आपको दिखा रहे हैं वो पूरी पड़ताल दिखा रहे हैं। आप जनरेटर के जो गोदाम के मालिक हैं उनसे फोन करें। ओपन जनरेटर दोस्तों लगातार इस बाजार की कई वीडियो में आपको दिखाऊंगा। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें और दोस्तों इस वीडियो का लिंक भी अपने साथियों में जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को जनरेटर बाजार की यानी नए जनरेटर बाजार की जानकारी हो सके। तो कासिम भाई इस वीडियो में हम अपने ग्राहकों को ओपन जनरेटर दिखा रहे हैं जी। तो ये आपके हम ओपन जनरेटर देख रहे हैं, तो ओपन जनरेटर में खास बात क्या होती है? एक तो बात ये बताएं कि ओपन जनरेटर और साइलेंट जनरेटर में वही जनरेटर है तो रेट का क्या कितना अंतर है? रेटों का ये अंतर होता है कि जैसे कि साइलेंट वाला जो होता है इसमें में बूंदी से बच जाता है जनरेटर, ये ओपन हो जाता है। ओपन ज़्यादातर क्या है कि डीजे वगैरह वाले जो ये ओपन ज़्यादा पसंद करते हैं। बाकी ओपन भी अच्छे होते हैं, सभी जनरेटर कैनोपियों से ही निकलते हैं। कॉस्ट में बात करते हैं, उनका कीमत क्या है? कीमत में ओपन में सभी तरह के जनरेटर होंगे, जैसे कि जिस इंजन में बर्ग हो चुका, जो रिपेयर हो चुका, काम हो चुका यहाँ पर, उसका रेट कम हो जाता। जो इंजन सील्ड होता कंपनी का उसका रेट थोड़ा कंपनी से ही फालतू होता है। अच्छा, हम आपके देख रहे हैं आइसर के, देख रहे हैं दो सिलेंडर में, ये जो पहला जनरेटर हम देख रहे हैं आपका, तो ये कौन सा मॉडल रहेगा, आपके कंडीशन है कितने केवी का भाई? ये आइसर है 15 KVA में जी, दो सिलेंडर इंजन है, 15 KVA अल्टरनेटर है जी, लोड टेस्ट जनरेटर है। और ये सेल्फ भी हो सकता है और हैंडल से भी? नहीं, ये तो सेल्फ से ही होता है, हैंडल से नहीं हो पाता है जी। क्या कीमत मान लीजिए इसकी, कम से कम कीमत बताएं? इसकी कम से कम कीमत 65,000 रुपए की है। 65,000 जी। 15 KVA आइसर कंपनी का दो सिलेंडर इंजन है। और ये भी दो सिलेंडर में आइसर? ये भी आइसर में है, 15 KVA दो सिलेंडर इंजन है। और ये टंकी ऊपर लगी हुई है? जी जी, इसमें टंकी ऊपर लगी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी कीमत क्या रही कम से कम? इसकी कीमत 70,000 रुपए की है। क्यों है? ये इंजन सील्ड है। अच्छा, इंजन सील्ड है जी। और अगला आइसर देख रहे हैं भाई साहब? ये इंजन है, रिपेयर हो चुका है ये अगला वाला। अच्छा, इंजन अच्छा, इसमें रिपेयर हुआ है, बाकी इंजन बढ़िया है, लोड टेस्ट इंजन है। कौन सा मॉडल होगा भाई साहब? ये 2008 मॉडल इंजन। अच्छा, है क्या कीमत रहेगी इसकी? कीमत 65,000 रुपए की है। अच्छा, इसका अल्टरनेटर क्या रहेगा भाई साहब? अल्टरनेटर कंपनी का होता है, किर्लोस्कर का। अच्छा अच्छा, और अगला आइसर हम देख रहे हैं आपको भाई साहब? ये जी, ये LS वाला अल्टरनेटर है, 15 KVA का। अच्छा, दो सिलेंडर इंजन है आइसर में ही। अच्छा 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 जी, ये क्या कीमत रहेगी इसकी? इसके 65,000 रुपए। और ये हम देख रहे हैं भाई साहब आपका महिंद्रा का? जी जी, महिंद्रा का देख रहे हैं भाई साहब, ये कितने केवी में? 15 में। ये महिंद्रा का है, 4 सिलेंडर इंजन। 4 सिलेंडर जी, ये 25 KVA का अल्टरनेटर होता है इस पर। अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी क्या कीमत रहेगी जी? इसकी कीमत होगी 1,15,000 रुपए। अच्छा, 1,15,000 जी। और अगला भी महिंद्रा का हम देख रहे हैं आपका, 3 सिलेंडर में। जी जी, ये महिंद्रा है 3 सिलेंडर में, 15 KVA। इसकी क्या कीमत रहेगी भाई साहब? इसकी कीमत 70,000 रुपए की होगी। 70,000 जी। और अगला भी ये महिंद्रा का है आपका भाई साहब? ये महिंद्रा है, 15 KVA, 3 सिलेंडर इंजन है ये, इसकी कीमत 75,000 रुपए की है। 75,000। और ये भी महिंद्रा है आपका? ये भी महिंद्रा है, 15 KVA, ये इंजन सील्ड है इसका। अच्छा अच्छा, इसकी कीमत 85,000 रुपए की है। ये मॉडल कौन सा रहा होगा इसका भाई साहब? ये 2009 मॉडल होगा। 2009 जी। कंडीशन बढ़िया है जी, लोड टेस्ट जनरेटर है, बिल्कुल बढ़िया। और ये फिर हम महिंद्रा का देख रहे हैं, ये वो 4 सिलेंडर वाला इंजन है, 25 KVA वाला। अच्छा, क्या कीमत रहेगी जिसकी? इसके 1,05,000 रुपए हैं। और ये 4 सिलेंडर में ये टाटा का आ गया? जी जी, ये टाटा क्यूमिंस वाला है, कंपनी वाला।
ये 30 केवी डायनामा है इस पर। अच्छा जी, क्या कीमत रहेगी जिसकी? इसकी कीमत 1,40,000 रुपए की होगी। और अगला फिर हम देख रहे हैं आपका, ये होता है अशोका लीलैंड। अशोका लीलैंड का जी जी 25 केवी का डायनामा है इस पर, इसकी कीमत 90,000 रुपए की होगी। 90,000 की 25 केवी का है ना? जी जी। अच्छा, और ये महिंद्रा? ये महिंद्रा का है, 4 सिलेंडर इंजन है, 30 केवी का डायनामा, ये टर्बो वाला इंजन है, न्यू मॉडल वाला। अच्छा अच्छा, क्या जी, ये इंजन सील्ड है इसका बिल्कुल। अच्छा, कोई इसमें चाबी नहीं, रिंच नहीं, कुछ भी लगा हुआ नहीं, बिल्कुल सील्ड इंजन है ये। इसकी कीमत 1,40,000 रुपए की होगी। अच्छा जी। और ये हम आगे देख रहे हैं, ये आईसर का देख रहे हैं? ये आईसर है, 15 केवी इंजन सील्ड है ये। अच्छा अच्छा, क्या कीमत माने इसकी? 85,000 रुपए की कीमत है। 85,000 जी। और अगला ये फिर आईसर है आपका? ये भी आईसर है, 15 केवी 2 सिलेंडर इंजन है ये। इसकी 85,000 रुपए की कीमत है। और ये फिर हम देख रहे हैं आपका अगला, ये है टाटा क्यूमिंस कंपनी का। हाँ। सुधीर वाला ये 40 केवी का है, 3-4 सिलेंडर जी, 4 सिलेंडर इंजन। हाँ। है ये 40 केवी जी जी, 40 केवी। कौन सा मॉडल होगा इंजन भाई? ये 2011 मॉडल इंजन। क्या कीमत रहेगी कम से कम इसकी? इसकी कीमत 1,50,000 रुपए की। अच्छा, 1.5 लाख जी। 40 केवी 40 केवी है, लो टेस्ट सील्ड इंजन होगा ये बिल्कुल। ये आईसर का आ गया फिर? ये आईसर वाला है, 3 सिलेंडर इंजन में है ये। ये होता है एक डबल वेयरिंग वाला अल्टीलेटर, ये है डबल वेयरिंग अल्टीलेटर का जी जी जी। इसका थोड़ा इंजन रिपेयर हो चुका है, रेट इसका थोड़ा डाउन होगा। अच्छा, डबल वेयरिंग वाला अल्टीलेटर है ये, बूस्टर वाला जी। कितना केवी बता रहे हो आप इसमें अल्टीलेटर है? 25 केवी का है, 3 सिलेंडर में आईसर जी, 3 सिलेंडर रहेगी इसकी। इसकी 80,000 रुपए की कीमत है। अच्छा। और ये बहुत सारे जनरेटर हम देख ही रहे हैं आपके पास, ये किर्लोस्कर का है, 3 सिलेंडर इंजन है ये, 25 केवी का अल्टीलेटर है, इसके 1,00,000 रुपए की कीमत होगी। अच्छा, 25 RB 33 है ये, RB 33। और ये आईसर का 3 सिलेंडर में? ये आईसर का है, 3 सिलेंडर वाला इंजन है, 25 केवी डायनामा, इंजन सील्ड है ये। अच्छा जी। कीमत? इसकी कीमत 90,000 रुपए की। 90,000 रुपए जी। और ये फिर हम आपको दिखा रहे हैं जनरेटर, ये 4 सिलेंडर इंजन है, महिंद्रा वाला। हाँ, कितने केवी का? ब्लैक वाला इंजन है ये, न्यू मॉडल वाला। क्या कीमत रहेगी? 25 केवी का अल्टीलेटर है इस पर, इसकी कीमत 1,10,000 रुपए की। और ये हम फिर एस्कॉर्ट का देख रहे हैं जी, ये होता है एस्कॉर्ट में पावर ट्रक वाला जी। इसमें 3 तरीके के इंजन आते हैं, एक तो आता G20 वाला, एक आता G25 वाला, ये है G30 वाला इंजन। अच्छा, इस पर 30 केवी का अल्टीलेटर है, 30 केवी का अल्टीलेटर जी। अच्छा। जो G20 वाला आएगा उस पर 20 केवी का आएगा, जो G25 आएगा उस पर 25 केवी का आएगा, ये जो G30 है इस पर 30 केवी का अल्टीलेटर। क्या कीमत है जिसकी कम से कम? इसकी कीमत है 1,05,000 रुपए की सिर्फ। और ये आईसर का डबल जी, ये आईसर का है, डबल सिलेंडर, 15 केवी। क्या कीमत रहेगी इसकी? किर्लोस्कर का अल्टीलेटर है इस पर। अच्छा, ABR में अच्छा जनरेटर है ये भी। आ जाइए, कीमत क्या है रहेगी भाई सर? इसकी कीमत 75,000 रुपए की। और ये फिर हम देख रहे हैं आईसर का डबल सिलेंडर जी, ये आईसर है, 2 सिलेंडर वाला, इसकी कीमत क्या रहेगी? इसके 75,000 रुपये। अच्छा, और ये वाला हम देख रहे हैं भाई साहब आपका, ये होता है एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट का जी, 2 सिलेंडर इंजन है एस्कॉर्ट, 15 केवी, न्यू मॉडल वाला। इसकी कीमत 75,000 रुपये। और ये हम देख रहे हैं आपका फिर जी, ये भी एस्कॉर्ट है, 15 केवी, 2 सिलेंडर वाला, 75,000 रुपये। और ये वाला भाई साहब? ये होता अशोका लीलैंड, 4 सिलेंडर इंजन में है ये, 25 केवी का अल्टीलेटर है इस पर, अशोका लीलैंड का 4 सिलेंडर इंजन है, इसकी कीमत है 85,000 रुपए की। अच्छा कासिम भाई, आपके पास हम देख रहे हैं बहुत सारे जनरेटरों की खान लगी पड़ी है, सैकड़ों जनरेटर आपके पास जी हैं। जी, सबसे बात तो ये बताइए कि आप सर्विस और गारंटी या रेट में कोई मोल भाव पहले तो ये बताइए, कुछ मान सम्मान ग्राहकों का रखेंगे कि नहीं? पूरा मान सम्मान करा जाता, अब इतनी दूर से कस्टमर आता हमारे पास में तो मान सम्मान नहीं रखा जाएगा, पूरा मान सम्मान रखा जाता। जो माल दिखाएंगे सही माल के दाम लेंगे या कोई चीटिंग तो नहीं करेंगे? 1% भी कोई चीटिंगबाजी नहीं है। अब इतनी दूर से ग्राहक कस्टमर हमारे पास में आता, हमारे व्यवहार पे ही तो आता है यहाँ पर।
जी। और चीटिंग बाजी हम करेंगे तो कौन आ जाएगा। जनरेटर में अंदर माल की या कोई आप जैसे बताएंगे वही मिलेगा, वही चीज मिलती है जो चीज आपको यहाँ पर बता दी जाए कस्टमर को, वही चीज मिलेगी। पूरा वाटर लोड डाल के चेक करा के जब देते हैं सेट को। अच्छा, और कहीं 100 किलोमीटर के आसपास में कोई ग्राहक लेता है तो सर्विस देंगे आप पूरी? 100 किलोमीटर की रेंज में हमारी विजिट देगा मिस्त्री, 100 किलोमीटर की रेंज में। और यदि कोई बाद में कहीं दूर दराज को ले जाता तो उसे पूरा गाइड करेंगे, पूरा समझाएंगे? पूरी तरीके से तसल्ली करी जाती है, पूरी संतुष्टि तसल्ली दी जाती है। तो किसान भाइयों, आपने देखा सुना समझा, ये जनरेटर का गोदाम है और किसान कृषि यंत्र का गोदाम है। बहुत सारे जनरेटर हर समय तैयार मिलते हैं, कभी भी आ सकते हैं सप्ताह में किसी दिन और खूब मोल भाव करें, जांचें परखें, लोड ट्राई करें, मिस्त्री को दिखाएं। भाई साहब नंबर बताइए अपना, किस नंबर पर हमारे भाई जो है किस समय संपर्क कर सकते हैं आपसे? एक तो सुबह 10 बजे के बाद में फ़ोन करें और ज़्यादा परसेंट में 10 बजे से 11 बजे तक या शाम को फिर 6 बजे से 8 बजे तक। अच्छा। हर समय पर यहाँ पर कस्टमर भी रहते हैं, उनको भी डील करने पड़ते हैं, फ़ोन भी रखना पड़ता, पूरी तरीके से बात नहीं हो पाती है फिर। अच्छा, व्हाट्सएप नंबर बता दीजिए जिससे आप जिस नंबर पर संपर्क करें वो फ़ोन नंबर बताइए अपना। 8954 10 16 1415 दोबारा बोल दो अंग्रेजी में बार। जी 8954 06 1415। तो किसान भाइयों आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।